Hi guys, wish you a very good morning. This is me Anshi Joshi and you are watching me on AchievIS. So, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली बेसिस पे द हिंदू का एनालिसिस करते हैं और एडिटोरियल सेक्शन या इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं. इवन आई कैन से पूरा न्यूज़पेपर ही डिस्कस करते हैं. तो आज एडिटोरियल सेशन तो है नहीं. एडिटोरियल का सेक्शन इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि संडे को द हिंदू के न्यूज़पेपर में एडिटोरियल जो है डिस्कस नहीं किया जाता. ठीक है, तो एज ऑफ नाउ हम सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आज के न्यूज़पेपर में आई है. ठीक है, जो आज का पूरा न्यूज़पेपर जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कवर कर रहा है आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे. सबसे पहला न्यूज़ है 2,411 केसेस रिकॉर्डेड इन हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक टोल नाउ 1,223. ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अब तक की रिकॉर्ड किया गया सबसे ज़्यादा जो है केसेस सामने आए हैं सिंगल डे में 2,411 केसेस जो है रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डेटा है. और डे बाय डे रेगुलरली हम बढ़ते चले जा रहे हैं, केसेस कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं. अब देखना ये है कि इस कंडीशन में क्या इम्पॉर्टेंट जो स्टेप्स है गवर्नमेंट द्वारा उठाए जाते हैं. और मैं आपको बता देती हूँ कि इस सिचुएशन के अंदर जहाँ लॉकडाउन ओपन कर दिया गया है काफ़ी जगह पे, ओपन मतलब वैसे तो एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन काफ़ी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट कर दी गई है, उस कंडीशन में एक ही दिन में इतने सारे केसेस का आना, पॉजिटिव आना, तो ये हमारे लिए एक चिंताजनक विषय बन जाता है, सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय बन जाता है. तो लेट्स सी कि सरकार उसके लिए क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाती है. ठीक है, 71 डेथ्स जो है वो अभी तक जो हो चुकी है एक ही दिन के अंदर, और डेथ हो गई 71 ओवरऑल. अब तक जो डेथ्स थी और उसको और 71 डेथ्स को मिलाकर 1,223 डेथ टोल पहुंच चुका है और एक ही दिन में 2,411 केसेस सामने आ चुके हैं. तो हमारे लिए बहुत बड़े चिंता का विषय बन जाता है क्योंकि हम जिस तरह की सिचुएशन को अभी हैंडल कर रहे हैं, इट इज़ सच अ वेरी क्रूशियल कंडीशन कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इस COVID-19 को कैसे ओवरकम करना है और कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी कंटिन्यू करना. तो गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से स्ट्रेटजीज बना रही है कि COVID-19 के साथ साथ में उसको हैंडल करते हुए हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जनरेट करना होगा. तो लेट्स सी किस हद तक ये जो है काम करता है और सरकार किस हद तक इस तरह के केसेस को, अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करना भी ज़रूरी है क्योंकि हम बहुत वर्स्ट कंडीशन में चलते चले जा रहे हैं ना. इसलिए हमारी नीड है कि हम इकोनॉमिक कंटिन्यूटी को जो है, या हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करें. और इस ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे मनी जो है बहुत बड़ा इशू बनकर सामने आ रहा है, फिनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा साथ देखने को मिल रही है. इवन इन दिनों सेंट्रल और स्टेट के बीच में भी फिनेंशियल इश्यूज को लेकर काफ़ी क्राइसिस देखने को मिल रहा है. तो इस कंडीशन में, इन हालातों में जहाँ पे हम ऑलरेडी इतना सब कुछ सफ़र कर रहे हैं पैंडेमिक के दौर में, उसमें एक नया इशू सामने आया, दैट इज़ फिनेंशियल इशूज, है ना. उसको देखते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी कंडक्ट करना ज़रूरी हो गया है. तो लेट्स सी आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम ये पता लगा पाएंगे या हमें पता चल जाएगा कि किस हद तक ये इकोनॉमी रीओपनिंग जो है, पार्शियल ओपनिंग, ये काम करेगी और किस हद तक ये पेंडेमिक को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होगी. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की. दिस इज़ 41 पीपल इन वन बिल्डिंग टेस्ट पॉजिटिव फॉर COVID-19. COVID-19 के दिल्ली में एक ही बिल्डिंग में 41 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए हैं, उनका टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है. सो इट इज़ सच अ वेरी बिग थिंग कि एक ही बिल्डिंग में 41 लोगों का पॉजिटिव आना, ये बहुत बड़ी बात है. इसका मतलब ये है कि दिन ब दिन मात्रा बढ़ती चली जा रही है ना. और ज़रूरत है हमें प्रिकॉशन की, हमें ज़रूरत है अलर्ट होने की. और हमें देखिए, आम जन जब तक ज़रूरत के मुताबिक अपने आप को नहीं ढालेगा तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती. जब तक हम अलर्ट नहीं होंगे सरकार कुछ नहीं. सरकार बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रही है, सरकार बहुत सारे एफर्ट्स लगा रही है, सरकार बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चला रही है, सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि आपके इकोनॉमिक इश्यूज़ को भी सॉल्व किया जाए, साथ में आपके पर्सनल इश्यूज़ को भी सॉल्व किया जाए, उसी के साथ में आपके COVID-19 से रिलेटेड ये सबसे बड़ा जो इशू है इसे भी सॉल्व किया जाए. तो लेट्स सी कि हम लोग कितना उसके साथ में कर पाते हैं. अब मैं आपको बता देती हूँ कि 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है एरियाज़ को, ग्रीन जोन, रेड जोन एंड जो ऑरेंज जोन है ना.
तो बेसिकली जहाँ पे हम कह सकते हैं ऑरेंज जोन्स है वो हमारे लिए अभी फिलहाल सेफ कंडीशंस में आते हैं, है ना। तो कोशिश की गई सरकार द्वारा कि अधिकतर जो कार्य है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है जहाँ पे स्टार्ट की गई है, वहाँ पे ऑरेंज जोन्स के अंदर स्टार्ट की जाए, क्योंकि वो अभी इतने संवेदनशील एरिया से की कंडीशन में नहीं है और उससे दूर है ना। तो क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है, एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन मिला है हमें। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो अपने पूरे ट्राई कर रही है, उन्होंने सैटरडे को एक जो है 2 पैसेंजर्स को परमिट करना अलाउ भी कर दिया है। इवन काफ़ी सारे ऐसे एक्टिविटीज़ है जो स्टार्ट कर दी है, जिसके अंदर एक और जो है एरिया कवर किया गया है, दैट इज़ डोमेस्टिक हेल्प, जिसके अंदर इलेक्ट्रिशियन जो है, प्लम्बर्स हैं, वो भी वर्क कर पाएंगे। किस एरियाज़ में? ओनली इन ऑरेंज जोन्स। ओके, तो ये सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। अब हम बात करेंगे स्टेट्स स्क्रैप द बैरल एज रेवेन्यू ड्राइव। अब ये कंडीशन आकर खड़ी हो गई, अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया, बहुत बड़ी मात्रा में जो है पैसा लग रहा है, बहुत कंडीशंस जो है फिनेंशियल इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, और बहुत जो हम कह सकते हैं स्टेट्स की जो रेवेन्यू कंडीशन है वो भी पूरी तरीके से ख़त्म होने को है। इस कंडीशन में अब उन्हें अलॉट किया जाएगा पैसा सेंटर द्वारा, और अभी तक भी सेंटर ही अलॉट कर रहा है, लेकिन सेंटर की भी ये पोजीशन नहीं है कि वो इतने स्टेट्स को एक साथ में इतना इतना फंड्स प्रोवाइड करवा सके। और क्यों? क्योंकि लाइफ कर्बिंग रेशियो जो है, हम कह सकते हैं लाइफ जिस तरीके से चलानी है उसके लिए फिनेंस को जितना स्टेट फिनेंसिस को जितना पैसा चाहिए फिनेंस मिनिस्ट्री को, या हम कह सकते हैं जितना फाइनेंस चाहिए उस बेसिस पर ये पैसा जो स्टेट सेंटर प्रोवाइड करवा सकती है, अब वो सेटिस्फाई नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरत है कि फर्दर एक्शंस लिए जाए, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिस्कस की जाए, और स्पेशली अगर पॉसिबल हो तो फिर लिक्विडिटी को या कैश इनफ्लो को बढ़ाने के लिए हमें जो है करेंसी प्रिंटिंग का कार्य भी करना पड़ सकता है, जो कि हमारी ज़रूरत है एट प्रेजेंट, है ना। आइए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ माइनॉरिटीज़ पैनल चीफ चार्ज्ड विद सेडिशन। मैं आपको बता देती हूँ, माइनॉरिटी के जो माइनॉरिटी पैनल के जो चीफ़ है उन्होंने कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था, और उसी के तहत उन्होंने जो है उन्हें चार्ज किया गया है उनके रॉन्ग स्टेटमेंट के तहत। फिर उन्होंने इस चीज़ के लिए अपोलोजाइज भी किया है। दिल्ली के माइनॉरिटी कमीशन की बात करें, उसके चेयरमैन जो हैं उन्होंने, जो कि जफरुल इस्लाम खान हैं, उनका ये कहना है कि मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मैंने जो ट्वीट किया था वो बिल्कुल जो है गलत था, इनसेंसिटिव था, और मुझे जो है कंट्री जिस समय मेडिकल इमरजेंसी से सफ़र कर रही है और एक अनसीन एनिमी, हम कह सकते हैं अदृश्य होकर जो वार कर रहा है, इस तरह की जो दुश्मन है उससे सफ़र कर रही है, उस दौर में मुझे ऐसी जो है जो हम कह सकते हैं इल जो टाइम्ड बातें हैं या फिर ऐसी बातें जो कि संवेदनशील है ऐसी नहीं करनी चाहिए, ये गलत है, इस तरह का स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, देख तो ये सारा स्टेटमेंट हमने देखा है जो कि हम अभी काफ़ी न्यूज़ में है, काफ़ी इस तरह की जो क्राइटेरियाज होते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, दैट इज़ गवर्नमेंट लॉन्चेज एक्सरसाइज टू आइडेंटिफाई ओपन लिकर शॉप्स। अब आपको बता देती हूँ कि रिसेंटली गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक लिकर शॉप्स को परमिशन दी गई है कि वो ओपन होगी, क्योंकि वो काफ़ी इकोनॉमी के अंदर हेल्प करती है, इकोनॉमी जनरेट करने में काफ़ी हेल्प होती है उनकी। तो इस कंडीशन में लिकर शॉप्स जो है उन्हें परमिशन दी गई है कि वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसी के साथ में एक्साइज डिपार्टमेंट जो है उनके चार, उन्होंने गवर्नमेंट के अंदर अंतर्गत चार जो है ऐसी एजेंसी जनरेट कर दी है जो रिस्पॉन्सिबल होगी लिकर सेल जो हो रहा है सिटी में, उसकी जो उसका डेटा है वो प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट को, ठीक है। और वहाँ पे कितना जो है कंडीशन, कितनी किस लेवल पे लिकर जो है सेल आउट हो रहा है, या किस मात्रा में हो रहा है, कितना होना चाहिए, या उसकी इकोनॉमी कितनी जनरेट हो रही है, या वो किस दायरे के अंदर जाकर कार्य कर रहे हैं या आउट ऑफ लिमिट होकर कार्य कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है इस इन फोर एजेंसीज द्वारा कंडक्ट की जाएगी या जांची जाएगी, और ये फोर एजेंसी जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर में आएगी, ठीक है, उनके द्वारा डायरेक्टेड है, ठीक है। दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट DTDC, ठीक है, DTIDC, DSIDC, दैट मीन्स दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसके अलावा DSCSCL एंड
DCCWS ये जो है लिकर शॉप्स को पब्लिक प्लेसेस पर ओपन कर सकते हैं, एक्सेप्ट दोज लोकेटेड इन मॉल्स। मॉल्स के अंदर जो लोकेटेड है वो। अच्छा, ये मैं आपको बता देती हूँ कि मॉल्स जो है वो अभी अलाउ नहीं किए गए। मॉल्स है या कोई बड़े जो ऐसे ऐसे जो शॉप्स है जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा होती है, हैंडलूम्स हैं, तो उन्हें अभी ओपन करने की अनुमति नहीं दी गई है। और ये इसी बेसिस पर गाइडलाइन जारी की गई है गवर्नमेंट द्वारा कि एक्साइज डिपार्टमेंट का ही कहना है, एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो पूरा 4 एजेंसीज के तहत लिकर शॉप्स का जो हैंडलिंग है उसको देखेगी। उसके अलावा ये जो सारे डिपार्टमेंट्स जो हमने बताए हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर के पब्लिक प्लेसेस पर लिकर शॉप्स को ओपन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ गाइडलाइंस के तहत। इसके अंदर मॉल्स के अंदर जो भी शॉप्स है लिकर्स की वो ओपन नहीं होगी। ठीक है, ये सारी न्यूज़ जो थी इम्पॉर्टेंट थी यहाँ पे। अब हम बात करेंगे, देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हेडिंग्स को भी जो है हाईलाइट कर दूँ, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिल जाए। तो कोशिश कीजिए कि जो मैं हेडिंग्स प्रोवाइड करवा रही हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप जो इम्पोर्टेंट मार्क कर रही हूँ उसका स्क्रीनशॉट, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की, दैट इज़ रेलवेज ऑपरेट 5 श्रमिक स्पेशल्स। मैं आपको बता देती हूँ कि 5 श्रमिक स्पेशल जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के काम जो रेलवे ने किया है, ट्रेन प्रोवाइड करवा रहे हैं, रेलवे फेरीज है, जिसके अंदर श्रमिक जो है स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। 2 वेंट टू बिहार, 2 बिहार के लिए चली है, जबकि 2 झारखंड के लिए और 1 उड़ीसा के लिए। सारे श्रमिक जो हैं जो कि कार्य कर रहे हैं तिरुवनंतपुरम का, आप ये देख सकते हैं वहाँ का स्टेशन है, वहाँ पे किस तरीके से सिक्योरिटी के साथ में लोगों को खड़े होने की हिदायत दी गई है, और किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए वहाँ पे जो है ट्रेन्स जो फैसिलिटेट करेंगे, ट्रेन्स चलाई जाएगी। ठीक है, तो हंड्रेड्स वेट फॉर बसेस इन बेंगलोर। बेंगलुरु के अंदर काफ़ी लोग जो है बसेस की वेट कर रहे हैं, हज़ारों। अब देखिए कंडीशन क्या हो गई है इस कंडीशन के अंदर, जहाँ पे हम लोग पेंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे श्रमिक हैं, माइग्रेंट्स हैं, जो कि काफ़ी टाइम से अपने पोजीशन पे अपनी जगह पे थे, लेकिन 17 तक लॉकडाउन बढ़ जाने और अपने गांव में या शहर में ना होने के कारण जो इनसिक्योरिटी उन्हें फेस करनी पड़ रही है, फिनेंशियल इश्यूज या जो रेजिडेंशियल इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, उन सबको सॉल्व आउट करने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स चलाई जा रही है ना। ये ट्रेन्स जो चलाई जा रही है, बिल्कुल ट्रेन्स ऐसी जगह है जहाँ मैक्सिमम लेवल पे गैदरिंग होती है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए पूरी सिक्योरिटी के साथ में सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए और इम्पॉर्टेंट रेगुलेशंस जो इम्पोज किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, उन सबको फॉलो करते हुए और उन सबको लागू करते हुए इन ट्रेन्स को चलाया जा रहा है। तो पॉसिबल है कि ये एक अच्छा स्टेप है, बिकॉज कहीं ना कहीं इससे इकोनॉमिक जो है पोजीशन भी स्टेबल होगी, उसी के साथ में जो श्रमिक्स हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, जो वर्कर्स हैं स्पेशली, उनको जो हम कह सकते हैं श्रमिक हैं, लेबर है, उन्हें काफ़ी रिलैक्सेशन होगा और वो अपने घर को जा पाएंगे। अदर देन दिस, वहाँ पे वो जो इकोनॉमी या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वो करेंगे, और काफ़ी सारे जो फिनेंशियल इश्यूज़ को वो फेस कर रहे हैं वो भी सॉल्व आउट हो पाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, सरकार को थोड़े सिक्योरिटी मेजर्स को बढ़ाना होगा, सरकार को थोड़े पूरी सिक्योरिटी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग या अदर नॉर्म्स के साथ में इन ट्रेन्स को या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको स्टार्ट करना होगा। तो वो ज़रूरत है हमारी और बिल्कुल करना भी चाहिए। उसी के साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि 2 ट्रेन्स बिहार के लिए, 2 झारखंड के लिए और 1 उड़ीसा के लिए ऑलरेडी जो है रवाना हो चुकी है सैटरडे को, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, और अभी भी बेंगलुरु में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बसेस का वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ आंध्र प्रदेश शुड रेडी 1 लाख हॉस्पिटल बेड्स टू टैकल अ राइज इन केसेज। जिस तरीके से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, वहाँ पे मोहन रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी जो है, उनका ये डिसीजन है कि उनका ये कहना है कि आंध्र प्रदेश रेडी है 1 लाख हॉस्पिटल बेड्स के साथ में। जैसा कि केसेस कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं, अदर स्टेट्स में भी जो है एक्सपेक्टेड टू रिटर्न फ्रॉम अदर स्टेट्स अब्रॉड। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे स्टेट से आ रहे हैं श्रमिक ट्रेन्स के स्टार्ट होने की वजह से, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अब्रॉड से आ रहे हैं। तो इन सारी फैसिलिटी, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें ये बात फैक्ट है कि केसेस बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, और जब केसेस बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, ये पॉसिबिलिटी जब राइज हो रही है, तो डेफिनेटली इट इज़ रिक्वायर्ड कि हम अपनी
प्रिकॉशंस को, या हम कह सकते हैं अपनी तैयारी जो है मेडिकल लेवल पे, उसे भी गियर अप कर लें, जैसा कि आंध्र प्रदेश में की गई है। आंध्र प्रदेश का ये कहना है कि हम 1 लाख हॉस्पिटल बेड के साथ में बिल्कुल तैयार हैं और रेडी हैं टू वर्क टूवर्ड्स इट। ओके, हम इस COVID-19 की जो प्रॉब्लम है, पेंडेमिक है, उसे हैंडल करने के लिए हम लोग रेडी हैं। ठीक है, वी आर रेडी टू टैकल दिस कंडीशन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपकी, वो है कि 135 CRPF जवान जो हैं दिल्ली यूनिट के, वो पॉजिटिव आए हैं। बहुत बड़ी बात है ये। डिसीज्ड SI वॉज पार्ट ऑफ द सेम यूनिट। SI जो है वो भी सेम यूनिट के पार्ट थे जो डिसीज किए गए हैं। इसके अलावा डे आफ्टर 55-year-old इंस्पेक्टर, 55 साल के सब इंस्पेक्टर जो है उनका पॉजिटिव केस आने के बाद में, CRPF में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद में, अब तक कंटिन्यू जो है केसेस बढ़ते चले गए और 135 CRPF जवान जो है वो पॉजिटिव आ गए हैं। ठीक है, और 15 जो है वो BSF पर्सनल्स हैं जो कि दिल्ली के अंदर कार्यरत हैं। ठीक है, तो ये भी एक चिंताजनक बात है कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या जो हमारी सिक्योरिटी जो लोग हैं, सिक्योरिटी जो कैरी कर रहे हैं, जिनके हाथ में बहुत बड़ा दारोमदार है, वो लोग ही इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, पेंडेमिक की चपेट में आ रहे हैं, कोविड की चपेट में आ रहे हैं। तो इट इज़ नीडेड कि उन लोगों को कॉपरेट करते हुए हम चलें जो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। हम उन लोगों को किसी भी तरीके से, ये हमारी जिम्मेदारी, देखिए वो हमारी जिम्मेदारी ले रहे हैं अपने कंधों पर, कि कैसे भी करके हम लोगों को, आम जनता को इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। तो ये हमारी ज़रूरत है कि हम उनकी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लें, हम उनकी जिम्मेदारी को भी करें, है ना। हम ये कोशिश करें कि कैसे भी करके सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस कर्मी, या हम कह सकते हैं जो डॉक्टर्स हैं या जो मेडिकल स्टाफ्स हैं, ये लोग जो ऑलरेडी कार्यरत हैं हमारे लिए, हम लोग इन लोगों की सहायता करें, इन लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को सुरक्षित किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है, मिनिस्ट्री वांट्स आरोग्य सेतु ऐप मेड डिसेबल्ड फ्रेंडली। मिनिस्ट्री का ऐसा कहना है, वो ऐसा चाहती है कि ये जो ऐप है आरोग्य सेतु, ये डिसेबल्ड लोगों के लिए भी जो है फ्रेंडली होना चाहिए। इट मींस उनके लिए भी कार्य करना चाहिए। जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट्स जो है, उन्होंने नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर्स को ये बात लेटर लिखा है, ये जो है मेल किया गया है, कि इस तरह जो COVID-19 को ट्रैक करने वाला ये जो आरोग्य सेतु ऐप है गवर्नमेंट का, ये जो इनिशिएटिव है, ये एक्सेसिबल है हर किसी के लिए, लेकिन ये एक्सेसिबल नहीं है उन लोगों के लिए जो PWD कैटेगरीज में आते हैं या डिसेबिलिटीज़ के साथ में सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, जिनको सुनने और देखने की क्षमता जिसमें नहीं है, उनके सोशल जस्टिस और एम्पावर मिनिस्ट्री के बेसिस पर ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए भी कार्य करें। मतलब इस ऐप को इस तरीके से जनरेट किया जाए, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें रखी जाए जो कि जो हम डिसेबल्ड फ्रेंडली है, PWD कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो और कार्य कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, और अब तो मैं आपको बता देती हूँ, आरोग्य सेतु मैंडेटरी हो गया है हर किसी के लिए डाउनलोड करना, क्योंकि ये जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन्स गैदर करके हम तक पहुँचा रहा है कि आपके आसपास में कौन ऐसा पर्सन है जो COVID-19 से जो है सफ़र कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, US ऑफिशियल्स टेक अ हार्ड लाइन ऑन चाइना। अब मैं आपको बता देती हूँ, चाइना जैसे कि कंडीशंस हो रही है, चाइना का जो ये इनिशिएटिव है COVID-19 का, इससे पूरा देश यहाँ हिलकर, या हम कह सकते हैं स्तब्ध हो चुका है और सफ़र कर रहा है हर कोई देश, चाहे इकोनॉमिकली ले लो, सोशली ले लो, या हेल्थ मेडिकली ले लो, फिजिकली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं हम लोग, और उसी को ओवरकम करने के लिए हमने काफ़ी एफर्ट्स भी लगा रखे हैं। इसी बीच में चाइना ने ऐसा प्रयास किया कि वो अपनी इकोनॉमी को रीजनरेट कर सके, उसके लिए वो कोशिश कर रही है काफ़ी सारी कंट्रीज़ में वापस से इन्वेस्ट करने की, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के स्टेक्स खरीद लेने की। जैसा कि अभी इंडिया में हाल ही में कुछ दिनों पहले HDFC का केस सामने आया था, तो इस तरह की बहुत सारे अथक प्रयास जो है चाइना द्वारा किए जा रहे हैं। तो US ने एक हार्ड लाइन जो है कैरी की है, US ऑफिशियल्स का कहना है कि हम अभी चाइना के साथ में किसी तरह का कोई जो हम कह सकते हैं संबंध नहीं रखना चाहते। संबंध इट मींस जो इकोनॉमिकल जो इश्यूज है, इकोनॉमिकल रिलेशन हम मेंटेन नहीं करना चाहते। ठीक है, ट्रंप वॉज प्रोडेड टू ब्लॉक अ गवर्नमेंट पेंशन फंड फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन चाइनीज कंपनी। जो वहाँ US की एक कंपनी थी गवर्नमेंट पेंशन फंड्स की, उसे ब्लॉक कर दिया है क्योंकि वो चाइनीज़ कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रही थी।
ठीक है, उसके अंदर चाइनीज़ कंपनी जो है इन्वेस्ट करना चाह रही थी, चाइनीज़ कंपनी में सॉरी इन्वेस्ट करना चाह रही थी। तो इस तरह की जो पॉसिबल जो कंडीशंस है उनसे बचने के लिए और आने वाले दौर में चाइना से जो है बहुत सारी ऐसी हम कह सकते हैं उम्मीद है कि वो काफ़ी देशों में से कोशिश करेगी कि वो अपनी इकोनॉमी को रिबिल्ड करने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। और उसी के साथ अब आगे और भी कई सारे ऐसे कंट्रीज़ आकर खड़ी हुई है जिन्होंने ये डिसीजन लिया है कि हम चाइना के साथ में किसी तरह का कोई डील अभी एट प्रेजेंट करने की पोजीशन में नहीं है। तो देखते हैं किस हद तक ये यूज़फुल होती है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो चाइना से प्रोडक्ट जो है इम्पोर्ट कर रही है, और ऐसी काफ़ी सारी कंट्रीज है इवन ड्रग्स तक चाइना से परचेज़ कर रही है। तो उस कंडीशन में जहां आप ड्रग्स और सारी चीज़ें परचेज़ कर रहे हो, उस कंडीशन में अगर आप और कोई जो है फिनेंशियल आप कोई इकोनॉमिक रिलेशंस नहीं मेंटेन करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चाइना भी उस चीज़ को सफ़र करेगा, चाइनीज़ कंपनी जो है वो भी बेयर करेंगी इस डिफ़िकल्टी के टाइम को। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ किम reappears in public after weeks of speculation। आपको बता देती हूँ किम जोंग जो कि अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में थे, नॉर्थ कोरियन लीडर हैं ये, और जो है काफ़ी न्यूज़ में रह चुके हैं कि वो अच्छा ये बहुत बड़े जो है हम कह सकते हैं लीडर हैं वहाँ के, और वी कैन से द अनदर वर्ड दैट वी कैन यूज इज़ आई कैन से डिप्लोमेट है वहाँ के, या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से बहुत हम इनडायरेक्टली अगर मैं यूज़ या डायरेक्टली भी यूज़ करूँ तो वहाँ के एक डिक्टेटर टाइप्स हैं, है ना। तो उनकी एक न्यूज़ सामने काफ़ी दिन से आ रही थी कि उनकी तबीयत ठीक ना होने के कारण काफ़ी बार ऐसा न्यूज़ में देखने को मिला वो डेड हो चुके हैं, काफ़ी बार ऐसा मिला कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं एंड नॉट इन कंडीशन टू सर्वाइव। तो इस तरह की न्यूज़ को ओवरकम करते हुए काफ़ी हफ्ते की ट्रीटमेंट और स्पेकुलेशन के बाद में किम जोंग जो है वो वापस पब्लिक के सामने आए हैं। उन्होंने अपने एक प्लांट का जो दौरा लिया है, उनकी स्टेट न्यूज़ एजेंसी रिलीज्ड पिक्चर आप देख सकते हैं, इमेज है ये अपने एक ही प्लांट को विजिट करते हुए नज़र आए हैं। ठीक है, तो इससे ये श्योर है कि ही इज़ नॉट इन दैट मच कंडीशन जैसा कि र्यूमर्स अभी स्प्रेड हो रहे थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की, दैट इज़ यूएस ऑफर्स रिलीफ टू H-1B होल्डर्स ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट। जो H-1B होल्डर्स हैं या ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स हैं उनको यूएस ने एक रिलीफ दिया है। उन्होंने कहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट 60 डेज के अंदर सबमिट कर सकते हैं। वैसे तो उनकी जो डेट थी वो अभी ही थी, मतलब कुछ दिनों के अंदर ही उन्हें सबमिट करना था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उन्हें 60 डेज का जो है प्रिविलेज दिया है। सो इट विल बी अ गुड इनिशिएटिव अगर इस तरह का है तो। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो है RBI कैंसिल CKP को कॉप बैंक्स लाइसेंस। RBI ने जो कोऑपरेटिव बैंक है CKP कोऑपरेटिव बैंक उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। ये मुंबई बेस्ड बैंक है जिसको जो है ना जो अभी इस दौर में काफ़ी नेगेटिव जो पोजीशंस लाकर खड़ी कर रहा है इकोनॉमिक कंडीशन में, उस बेसिस पर इस बैंक को जो है कैंसिल कर दिया गया है इसके लाइसेंस को। ये RBI का डिसीजन है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है दास जो है शशिकांत दास जो कि RBI के गवर्नर हैं, उन्होंने क्रेडिट फ्लो को रिव्यू लेने के लिए रिव्यू लिया है और लोन मॉरिटेरियम विथ बैंक चीफ्स के साथ में मिलकर लोन्स और कैश फ्लोज इन सारी चीज़ों को रिव्यू लिया है। इन सब का रिव्यू लेने के बाद में कुछ डिसीजंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, क्योंकि लिक्विडिटी की जो कंडीशन है सिचुएशन जो अभी हमारी है उसके तहत ये सब चीज़ें ज़रूरी है कि गवर्नमेंट या RBI जो है इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले और इंपॉर्टेंट रिव्यूज़ लेकर उसके बारे में कुछ डिसीजन जो है इम्पोज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे PM ने सेकेंड इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज के लिए फिनेंस मिनिस्टर से एक मीटिंग की, कॉन्फ्रेंस मीटिंग। इसके तहत सेकेंड डोज अनाउंस करने की बात की गई है और उसके लिए जो रिलीफ मेजर्स हैं उसको डिस्कस किया गया। तो उम्मीद करते हैं सरकार जल्द ही हमारे लिए इकोनॉमी का सेकेंड डोज अनाउंस करेगी और कुछ नए अनाउंसमेंट हमें रिलीफ देंगे। नेक्स्ट वन इज़ नाउ इट इज़ द टाइम फॉर सेंटर टू यूज़ इट्स मीन्स। अब ये एक जो है आर्टिकल है, ये स्पेशल आर्टिकल है, इसके तहत ये कहा गया है जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कुछ देर पहले कि सरकार को ज़रूरत है कि अब वो कुछ ऐसे डिसीजंस ले, कुछ ऐसे स्टेप्स ले जो इकोनॉमी को रिबूट कर सके।
और ये डिसीजंस होंगे जस्ट लाइक प्रिंटिंग द करेंसी, समथिंग लाइक ऑल दीज टाइप ऑफ डिसीजंस जिनकी अभी सख्त ज़रूरत है। देखिए, प्रिंटिंग जो मनी है ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत तब होती है जब देश में पैसे की कमी हो जाए। अभी हम ऐसी कंडीशन में जा चुके हैं जहाँ पे पैसों की जो फ्लो है वो बहुत कम हो गया है, मतलब मनी का वैल्यू बहुत बढ़ चुका है। अब मनी की वैल्यू बढ़ जाने से मार्केट में मनी अवेलेबिलिटी ना होने के कारण लोगों को काफ़ी फिनेंशियल इश्यूज सफ़र करने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो पैसा लोगों के पास में है वो मार्केट में नहीं आ रहा है। अभी जो कंपनीज के पास है, जो सर्कुलेट होता है मनी, वो सर्कुलेट नहीं हो रहा। तो सारे फिनेंशियल इश्यूज़ को देखते हुए, इकोनॉमिकल इश्यूज़ को देखते हुए, ये सरकार की ज़रूरत है कि वो पैसा, अच्छा, उस पैसे को सर्कुलेट करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट एक्शंस होते हैं वो होता है नॉर्मलसी। तो क्या हम पेंडेमिक के दौर में, इस दौर में हैं अभी कि हम नॉर्मलसी ला सकें अपनी लाइफ में, रूटीन लाइफ में? नो, इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो इस कंडीशन में जो भी करना है वो सरकार को ही करना होगा। तो सरकार का ये डिसीजन हो सकता है, ये सरकार को करना होगा, डिसीजन लेने होंगे ऐसे कुछ जिससे कि इकोनॉमिक कंडीशंस को नॉर्मलाइज किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। उम्मीद करती हूँ समझ में आए होंगे। दो आर्टिकल्स और हैं जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं कि NIAB ने एक पोर्टेबल कोरोना वायरस डिटेक्टिव जो किट है वो इन्वेंट किया है। ये IITians ने जो है जनरेट किया है। इसके इसके बारे में जो है IITians का कार्य किया द्वारा किया गया कार्य है। अब हम आगे बात कर रहे थे, बेसिकली NIAB ने IITians के सपोर्ट से जा कर के और ये कार्य किया है। और अच्छा, IIT बॉम्बे के रिसर्चर्स ने एक प्रोटोकॉल भी बनाया है जो कि RT-PCR टेस्टिंग किट है कोविड-19 के लिए, मतलब जो टेस्टिंग होती है उसके अंदर हेल्पफुल होगा ये। अब हम बात करेंगे NIAB की। NIAB इट मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है ये। इसके द्वारा बायोसेंसर के द्वारा जो है कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस बनाया गया है। सो लेट्स सी, जो कि 30 सेकेंड्स में आपके सलाइवा से, ह्यूमन सलाइवा से 20 माइक्रोलीटर्स के बेसिस पर एंटीजेंस इन ऑफ ह्यूमन सलाइवा का 20 माइक्रोलीटर्स के बेसिस पर ये 30 सेकेंड्स के अंदर ये बता सकता है कि पर्सन को नोवेल कोरोना है या नहीं है। और हमें ऐसे किट की सख्त ज़रूरत थी क्योंकि अभी लास्ट कुछ दिनों में हमने ये भी देखा है कि जो टेस्टिंग किट्स हमें प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ऐसी स्टेट गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट थी। और यही रिपोर्ट जो है राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएट की गई थी कि उसकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव, जो जहाँ आनी चाहिए वहाँ नहीं आके नेगेटिव आ रही है, और जहाँ नेगेटिव आनी चाहिए वहाँ पॉजिटिव आ रही है। तो मतलब सही किट्स तो नहीं अवेलेबल हो रहे हैं उस दौरान। इस समय इस तरह के डिटेक्शन किट्स जो है NIAB द्वारा डेवलप करना हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे IIT की। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, IIT बॉम्बे के रिसर्चर्स ने एल्गोरिथम जो है बनाया है जो कि विच कैन बी यूज टू हेल्प कंडक्ट पूल्ड टेस्टिंग फॉर सैम्पल्स ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के सैंपल को टेस्ट करने के लिए, उसका पूल टेस्ट करने के लिए, दैट इज़ RT-PCR टेस्टिंग, वो करने के लिए IITians ने कुछ जो है ऐसा किट बनाया है, प्रोटोकॉल बनाया है। किट मतलब प्रोटोकॉल बनाया है जो कि इंडिविजुअल लिस्ट ऑफ पॉजिटिव जो है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करेगा। ये एल्गोरिथम हेल्प करेगा लोगों को पॉजिटिविटी को टेस्ट करने के लिए, कितनी पॉजिटिविटी केसेस है उस बेसिस पर जो है टेस्ट करेगा ये। ठीक है, तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इनको स्टॉप करके अगर आप देखना चाहते हैं तो आर्टिकल्स को पढ़िए, एक एक न्यूज़ को सुनिए और फिर आर्टिकल्स को पढ़िए, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपका आज का न्यूज़पेपर कवर कर रहा था ऑलमोस्ट सारे मैंने आज डिस्कस किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं और आप ये सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इसलिए आप इन सारे आर्टिकल्स को जो है नोट डाउन कर लीजिए। अदरवाइज़ जो हेडलाइंस है आप उनको नोट कर लीजिए। अदरवाइज़ जो मैं बता रही हूँ, एक एक आर्टिकल को स्टॉप करके उसको रीरीड करेंगे, आर्टिकल्स रीड करेंगे आप, तो डेफिनेटली यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट फ्रॉम दिस न्यूज़पेपर। ओके, सो उम्मीद है आपको सेटिस्फाई हुए हैं, बिल्कुल मॉर्निंग न्यूज़ आप तक पहुंच चुकी है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं मैक्सिमम लेवल पे न्यूज़ प्रोवाइड करवा सकूं आपको, और उम्मीद है कि आज ये कोशिश भी सफल हुई है आज भी। और थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। आपका सपोर्ट, आपका जो आपकी एक्टिविटीज़ रहती है, आपका जो रिव्यूज़ रहते हैं, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं और मुझे हेल्प करते हैं एक एनर्जेटिक मॉर्निंग आपके साथ शेयर करने में। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।